64 का जो पहला है उसमें एक बुनियादी चीज़ जो एक्सप्लेन की गई है वो ये है कि जो यूं समझ लें कि एसेंशियली बुनियाद है लॉजिक की, फ़लसफे की, थिंकिंग, जिस तरह हम सोच रहे हैं वो बुनियाद है जो कभी चैलेंज होनी नहीं है और जिसको कोई चैलेंज नहीं करेगा और उसके चैलेंज करने का कोई तुक नहीं बनता। ये है कि कोई चीज़ जिस शय से बनी है, जिन अनासिर से बनी है, उसके बनाने में जितने सब्सटेंस इस्तेमाल हुए हैं वो डिकम्पोज उन्हीं में होगी। ये फर्स्ट रूल है और ये आखिरी है। इसके इर्द गिर्द सारा कुछ घूमता है। जैसे ये है, ये जिन जिन अज्जा से बना है ये जब डिकम्पोज होगा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो इसके बनाने में शामिल ना हो या इसके होने में शामिल ना हो। ऐसी इसमें कोई नहीं है। इसी तरह इंसान का भी इसी का रवैया है, इसी तरह तमाम चीज़ों का इस तरह का रवैया है। अगर दुनिया या पूरी कायनात जो है चार एलिमेंट से बने हैं जिसमें फायर, एयर, वाटर, अर्थ, पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था फायर जो है ड्राई है और हॉट है, एयर जो है मॉइस्ट है और कोल्ड है, इस तरह वाटर जो है मॉइस्ट है और उसको कोल्ड होना चाहिए टेक्निकली। हाँ ये कोल्ड है, एयर ड्राई है, एयर हॉट है ना। एक चीज़ की दो नहीं हो सकती, मिक्स नहीं हो सकता एटीट्यूड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एयर हॉट है, मैं आता हूँ उससे, ये कोल्ड है और ये ड्राई है, cold. ये कोल्ड है। अच्छा आप क्या कह रहे थे? एक चीज़ तो एयर जो है मॉइस्ट और हॉट है और फायर जो है वो ड्राई है। इनमें से ये दो चीज़ें जो हैं खुद में कलर नहीं रखती, एयर और वाटर। बाकी बची दो, ये खुद में क्या नहीं है, ये दोनों कलर नहीं रखते, बाकी दो ये हैं जो है। अब इन पे हम बहस ये है कि इधर लाइट कलर दे रहे हैं जो कि फायर वाला सेक्शन है, या अर्थ कलर दे रहे हैं जो कि डेंसिटी वाला है। इसको समझने से पहले जो अरस्तु का जो आइडिया है कलर का, वो ये है कि जो उसका ट्रांसपेरेंसी का आइडिया है, वो शे जिसके थ्रू चीज़ें नज़र आती हैं वो ट्रांसपेरेंट है, जिसके ज़रिए से कलर देखी जाती है वो ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंसी की एक नेगेटिव है, वो जो कलर नहीं रखती वो ट्रांसपेरेंट है। गिंदी उसको रिवर्स करता है पूरे स्टेटमेंट को कि जो कलर रखती है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, जो कलरनेस है वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी से डिफाइन होता है, ना कि नॉन कलरनेस ट्रांसपेरेंसी से, उसका उल्टा नहीं। अब इसमें फ़ायदा क्या है जो पूरा एक्सप्लेन कर रहा था इसमें ना, ये डिकम्पोजिशन का समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ किसी भी शय से बनी हो उसी का फिर वो सारा कुछ होगा ना। तो अगर दुनिया जो है इन चार एलिमेंट से बना है बेसिक, तो इन चार में से इन दो, ये दोनों तो कलर नहीं रखते, इन दोनों में से कोई एक होगा या दोनों होंगे जिसकी वजह से कलर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कंपोजिशन तो यही है पूरी पूरी, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अब एक दूसरी चीज़ जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करने वाली है। पहले तो कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन की थी, नेसेसरी कंडीशन और सफिशेंट कंडीशंस क्या होती हैं इसका अंदाज़ा है। तो इन चार एलिमेंट्स में से एक या दो ले लो, नेसेसरी कंडीशंस होंगे रंग के लिए, हम फिलहाल इन दोनों को लेते हैं, नेसेसरी हैं ये,
क्योंकि इन दोनों में से किसी एक ने रंग देना है। इन दोनों ने रंग देना ही नहीं है ना। तो इसी में से एक एक सफिशिएंट होगा। होगी। इन दोनों में से एक नेसेसरी होगी, एक सफिशिएंट और एक सफिशिएंट होगी। अच्छा। जो नेसेसरी है वो एक ही चीज़ होगी जिसकी, वरना चीज़ें अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में सिंपल होती हैं, वो कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। अगर वो कॉम्प्लेक्स होगी तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि कुछ और सिंपल से बनी होगी। अगर वो इन दोनों से बनी है तो ये कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसका सिंपल फॉर्म कुछ और होगा। तो इसका मतलब है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली बुनियाद नहीं है। तो हम जो कह रहे हैं वो ये है कि नेसेसरी कंडीशन ऑफ कलर क्या होगी। अब कंपोजिशन का पता चल गया कि इन दोनों में से किसी एक में से कलर नेसेसरी और दूसरे में जो है सफिशिएंट है। एक और आइडिया है, एक्सीडेंट और नेचुरल का क्या मतलब है, मतलब कदीम और हादिस जिसको हम कहते हैं। इसने नेचुरल लफ्ज इस्तेमाल किया है वो सही नहीं है, हादिस असल लफ्ज है और कदीम, बल्कि हादिस के लिए एक्सीडेंट का लफ्ज है। तो इसका आपको पता है सही जी। अब जो कदीम होगी जिसे आप कह रहे हैं सर, कदीम की खासियत यह है कि जिस वक्त कोई चीज़ वजूद में आती है तो वो शुरू से उसके साथ है, वो उससे अलग नहीं है। मतलब ऐसी एक एट्रीब्यूट जो उसके साथ जुड़ी हुई हो कम्प्लीटली। हादिस वो होगी जो यूँ समझ लेंगे उसके साथ शुरू से नहीं है बल्कि वो टाइम के साथ साथ आई है। इसका दो तरीके हैं इसके। एक तो अगर हम इलाहियात की तरफ से आएँ तो उसमें ये है कि वजूदी एतबार से जो मतलब वजूद जिस वक्त बनी है, तख्लीक हुई है, उस वक्त जो इंसान के ये तमाम अज्जा की खसूसियात हैं तख्लीक के दौरान वो कदीम है, जो बाद में ऐड हुई हैं वो जो हैं एक्सीडेंटल हैं, हादिस हैं। मादी शे के हवाले से अगर मादी दुनिया में ही रहा जाए तो इस गिलास के अंदर साथ जो एट्रीब्यूट्स जुड़ी हैं जिस वक्त ये मैन्युफैक्चर हुआ है, जो सिंपल एग्जांपल है, उस वक्त उसकी जितनी खसूसियात हैं वो कदीम है और वक्त के साथ साथ जो इसके साथ बर्ताव किया गया है वो हादिस है। तो इसका शीशा होना एक कदीम है, इसकी कदामत है कि शुरू से ही शीशा था और इसमें कुछ बदलाव नहीं था। इसका प्लास्टिक होना वो उसकी कदामत है, वो नेचुरल है क्योंकि शुरू से इसके साथ था। इसके साथ क्या क्या होता जा रहा है वो एट्रीब्यूट्स जो हैं, तो यहाँ पे इसको क्लास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको अगर हम बाकायदा फिक्स करें कि ये टीवी डिफाइन होगा क्लास के तौर पे, तो वो उसका हादसाती पहलू है कि ये इस टीवी की अपनी खासियत नहीं बल्कि इसको दी गई है वक्त के साथ साथ। तो जो नेसेसरी कंडीशंस होंगी वही नेचुरल होती हैं, ये कदीम होती हैं। जो सफिशेंट होंगी वो एक्सीडेंटल होती हैं। आपको आप साइड डाउन में मसला है हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका मतलब है इन दोनों सूरतों में रंग या तो किसी के लिए, जो इसका नेचर है इन दोनों का, इनमें से किसी के लिए रंग का होना नेसेसरी है। नेसेसरी तब होगा जब इसमें रंग की वो खसूसियत नेचुरल हो या कदीम हो। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि किसी शेय के एक्चुअली अंदर रंग नहीं है बल्कि वो किसी और की वजह से उसमें रंग आ रहा है। अब उसमें जो रंग देने की जो खसूसियत खासियत है वो सफिशिएंट है क्योंकि वो उसके वजूद का हिस्सा नहीं है रंग देना। वो एक्सीडेंटल है क्योंकि वो हमेशा रंगीन नहीं हो सकता, रंग नहीं देता। तो इन दोनों में से कोई एक एक खासियत रखता हो, जो दूसरा नहीं रखता होगा वो ज़ाया हो जाता है।
ये एक चीज़ थी जो समझाने वाली थी ने। हाँ, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो इस आर्गुमेंट में काम आएंगे। कदीम बदल सकता है या नहीं? कदीम, हाँ। जो कदीम होगा उसकी वजह से वो चीज़ मौजूद है, वो नहीं बदलेगा। अगर वो बदलेगा तो पूरी शय बदल जाती है, तो वो कदीम है उसकी। अब बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी और नॉन ट्रांसपेरेंसी क्या होते हैं। ये फिजिक्स की बात हो रही है बेसिक। आप ओके सी टू कर सकते हैं, मिशन पास हो सकता है, मेरी है ना ट्रांसपेरेंसी। सही है, मैं इसको ट्रांसपेरेंट ही लिखता हूँ ताकि मुझे आपसे याद रहे कि आइडिया है। सर जी, फिजिक्स वालों का पिक्चर बनाते हैं, फिजिक्स में हमेशा इस तरह के पिक्चर बनाते हैं। चलो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अज्यूम करो कि ये दोनों इक्वल हैं, लेंथ में एक ऐसी डिस्टेंस में हैं जहाँ पे ये इसको छुपा देते हैं। इन दोनों के दरमियान हाइट और वेथ और डिस्टेंस इतना है कि अगर आपके सामने इस फासले पे ये हो तो ये नहीं दिखाई देगा। यूँ समझ लो कि ये इतना बड़ा है। वो शे जो सब वैसे कह रहे थे, सब यही बात है, इतना कोई मुश्किल नहीं, मुख्तलिफ जो आपकी नज़र को रोक सके उसके पार देखने से, वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। जो ऑब्स्ट्रक्ट विजन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रोकते देखने से कि ये दीवार है, इसको पीछे रोकते हैं इसको। तो जो शय आपकी नज़र को रोक देगी वो जो है डेंसिटी रखती है, इसलिए रोकती है। जिस शे के आप पार देख सकते हैं वो शे डेंसिटी नहीं रखती। तो जो डेंसिटी रखती है वो कलर रखती है, जो डेंसिटी नहीं रखती वो कलर नहीं रखती। अब हमारे पास दो चीजें थी, एक फायर था और एक अर्थ। जी पानी डेंसिटी रखता है, मगर कलर नहीं रखता। नहीं, क्या है पानी ट्रांसपेरेंट है? आप कह रहे हैं ना जो चीज डेंसिटी रखती है वो कलर, और नॉन ट्रांसपेरेंट हो ना, नॉन ट्रांसपेरेंट है ना, राइट? हाँ, बट पानी जो है वो डेंसिटी रखता है मगर फिर भी कलर नहीं रखता, ट्रांसपेरेंट है। नहीं नहीं, जो कलर रखता है वो है डेंसिटी रखता है और नॉन ट्रांसपेरेंट है। अच्छा ओके, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। मीनिंग पानी को सही तो कह रहे हैं। नहीं, जो नॉन ट्रांसपेरेंट है और डेंसिटी रखता है। तो पानी डेंसिटी भी रखता है और ट्रांसपेरेंसी भी रखता है। नॉन ट्रांसपेरेंट हो, नॉन ट्रांसपेरेंट हो और डेंसिटी रखता हो तो वो कलर रखता है। नॉन ट्रांसपेरेंसी की बताता, नॉन ट्रांसपेरेंट में डेंसिटी की खासियत होती है। यहाँ तक हो गया। तो हमारे पास दो चीजें थी, एक फायर, जो फायर है आग वो कलर नहीं रखती क्योंकि वो डेंसिटी नहीं रख सकती। दूसरी, फायर जो है वो हमेशा कलर नहीं रखती। जैसे कोई लोहा अगर गर्म हो, अब यहाँ पे वो आइडिया आपको याद होना चाहिए कि जो इफ़ेक्ट है जहाँ से कॉज हुआ है उस कॉज में वो खासियत है। तीली अगर रगड़ने से जलती है तो रगड़ने में गर्मी है इसलिए तीली जलती है। तो रगड़ है वही आग है असल में।
तीली एज ए सोर्स उसका इस्तेमाल हुआ है। अगर एक लोहा पूरा गर्म है उसको लकड़ी के पास लाया जाए और लकड़ी जल जाए उससे, तो ये जो जल रहा है ये भी आग है, ये जो गर्म है ये भी आग है, मगर इससे लाइट प्रोड्यूस नहीं, रंग प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इस वाले फायर से रंग प्रोड्यूस हो रहा है। तो फायर हमेशा रंग नहीं रखती, एक और फायर जो है वो रंग वैसे बदलती भी है, कुछ गेस्ट हैं वो रंग नहीं रखते। तो क्या हुआ, हमारे पास आग की जो रंग है, खासियत रंग की, वो सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें डेंसिटी नहीं है, कलर के डेंस होना ज़रूरी है। जो अर्थ है वो अकेला बचता है जिसमें कलर हो सकता है। तो हम कहते हैं कि कलर जो है बुनियादी एलिमेंट अर्थ की वजह से है। तो हर शे जो कलर्ड है वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि उसमें अर्थ की एलिमेंट है। जो स्मोग है जिसमें धुंध सारा नज़र आता है, उसके ड्यू ड्रॉप्स में अर्थनेस है। जो आसमान है उसमें वो जो इवापोरेट होते हैं, यहाँ से जो अर्थली चीज़ें जाती हैं उसके साथ लगी हुई, वो हवा के साथ जाती हैं, बड़े ज़र्रात जो हैं, उसकी वजह से स्काई ब्लू लगता है, वो उन वेपर्स की वजह से जो वहाँ पे हैं, हमें वो वेपर दिखाई दे रहे होते हैं, और क्योंकि वो वेपर वहाँ पे कलर्ड होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू ये इस बंदे की लॉजिक के मुताबिक ना, किंदी साहब के जी, किंदी साहब सॉरी कहाँ तक जी, सॉरी कुछ है आपके आज की फिजिक्स में, अगर ये माने कि भी दुनिया जो है चार एलिमेंट से बनी है, लॉजिक यहीं तक आएगी, मतलब उसने कहाँ जाने और बशर्ते कि आपके बुनियादें एक हों। दूसरी ये है कि जो रीजनिंग है वो जो आज की लॉजिक की है, आज की साइंस की है, वो कल की साइंस की एक ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक तो और मामला है, उसके अलावा फ़र्क ये है कि जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। जो हम दुनिया को स्टडी कर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह ये है, इस तरह हमें नज़र आ रहा है क्योंकि हमने बेसिक्स बदले हुए हैं। अगर आप क्वार्क्स की जगह चार एलिमेंट डाल दें, कायनात बदल जाएगी। अगर आप चार एलिमेंट की जगह सिर्फ एटम को रखें, क्वांटम भी नहीं होगा, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा फ़र्क, यूनिवर्स होगी उसकी एक्सप्लेनेशन फ़र्क होगी, क्योंकि उसकी कंपोजिशन फ़र्क है। और हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जानते जो जिसका इफ़ेक्ट हमें नज़र आ रहा है, उसका कॉज जो है उसके अंदर वो इफ़ेक्ट मौजूद ना हो, ऐसी कोई शे नहीं। यहाँ क्लियर है, जिसका कॉज नज़र आ रहा है उसके अंदर उसका इफ़ेक्ट मौजूद ना हो। हाँ, ये वही कंपोजिशन वाला इशू है कि इसको याद रखो आज, बस दुनिया सफल हो जाएगी आपकी, कि ये कॉज है, ये एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, हमें तो नज़र ये आएगा ना, जैसे ये वाइट बोर्ड है, हमें ये नज़र आ रहा है कि बना है वाइट बोर्ड, आपको नज़र आया, आपने पहली चीज़ क्या अज्यूम की है, हाँ, कि इसकी यहाँ मौजूदगी जो है वो नेसेसरी नहीं है बल्कि नेचुरल नहीं है, मतलब कदीम नहीं। हाँ ठीक है, आगे क्या अज्यूम कर लिया, मतलब आप ये समझते हैं कि दरअसल दुनिया आया था तभी ये वाइट बोर्ड यहाँ पड़ा हुआ था, जब ये घर नहीं बना था तो हवा में मौल लिखता और यहीं पे था, ठीक है, कैसे था नहीं ना, तो एक्सीडेंटल है। हाँ चलो ये मान लेते हैं। दूसरी चीज़, अगर ये एक्सीडेंटल है तो इसका वजूद हमेशा से था ही नहीं, फिर बाद में बनाया गया, इसका मतलब ये एक्सीडेंट एक्चुअली वजूद में सफिशेंट है। तीसरी चीज़ ये, अगर ये बाद में बनाया गया है तो कैसे बनाया गया, किसी ने बनाया या फिर वहाँ से हम कॉज पे शुरू करते,
वहाँ से हम कॉज पर शुरू करते हैं कि कैसे बना था। अब कॉज में ये है कि जिस तरह की ये हालत है, हाँ, जितने टुकड़ों में, जितने माइन्यूट एलिमेंट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, फिर उन सब को ही एक या दो तीन चार एलिमेंट्स होंगी। जैसे इसका ये प्लाई है, इस दोनों प्लाई के अंदर कुछ होगा, ये फिर एक प्लास्ट लोहा है, एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है, ये लोहा है, ये प्लास्टिक है यहाँ पे। तो इन सब के साथ तरीके से जोड़ के ये वाइट बोर्ड बनाए, इसी तरह है ना, इसके कंपोजिशन कंपोनेंट्स हैं सारे, इसको बनाते हैं। हम लिखते हैं कि इसके चार कंपोनेंट्स हैं। जिसका ये वाइट बोर्ड बनाए, सही, अगर हम ये कहें कि एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका इसके इफेक्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो क्या वो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को जस्टिफाई करता है? हम वो क्यों नहीं करता? अब ख्याल हम कह रहे हैं ना कि चार ऐसी चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, हाँ, इस व्हाइट बोर्ड के से चार ऐसे अज्जा हैं, अज्यूम करें कि सिर्फ चार हैं, कुछ नहीं है, उन चारों से ये बना है, ऐसे चार चीजें हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई एक ऐसी चीज है और भी जिसका इफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है मगर वो उसके कंपोनेंट्स में था? इफेक्ट तो ये है, व्हाइट बोर्ड है सामने हमारे, हम इसके कॉज को अज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसका कॉज कैसे बना था, तो हम सोच रहे हैं कि भी इसके चार पांच अज्जा हैं, उनसे जुड़ कर ये बना होगा। नहीं, हम सारे कॉजेस को इकट्ठे कर लेंगे, इवन अगर आप कहेंगे तो चार और मजीद ऐड कर लें, वो चार फॉर्मल कॉजेस भी लेके हैं। उसके अलावा अगर हम ये कहें कि एक ऐसा कॉज है जिसका इफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, जो इफेक्ट में मौजूद ही नहीं है मगर वो कॉज रहा है, जो कि इनसे यानी कि वो चार नासिर का नहीं होगा, तो बंदा बनाएगा वो तो इसमें मौजूद नहीं है ना, वो चार कॉजेज में तो मौजूद है, एज अ कॉज मौजूद है, इफेक्ट में उसका फिर क्या है, उसका उसका एज अ कॉज, इसका होना पूरा उस कॉज की वजह से है ना, तो फिर वो शामिल है कि नहीं, वो तो शामिल है ना, अगर बंदे को निकालेंगे तो नहीं बनेगा ना। तमाम वो कॉजेज जो इसको बनाती हैं, इवन अगर खुदा को भी हम इस्तेमाल करें कि उसने बंदे को बनाए, बंदे को ये अकल दी कि ये बनाया जाए, वो भी अगर सामने रखा जाए, उसके अलावा अगर एक तब भी ऐसा कॉज रखा जाए जिसका इफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, तो कॉज नहीं होगा। हम कहना क्या चाह रहे थे, नहीं वो हर कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट होता है, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच इज नॉट रिलेटेड और लिंक्ड कनेक्टेड, हर कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होगा, ये नहीं हो सकता कि विदाउट, हम इफेक्ट को देख रहे हैं असल में, हम कॉज को देख ही नहीं रहे, तो जो कंपोनेंट्स इफेक्ट में होंगे ऑब्वियसली वही कॉज में होने चाहिए। हम कॉज को नहीं देख रहे, हम कॉज को स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट के जरिए से, जो इफेक्ट हमें मिल रहा है एक्चुअली वो एक सवाल है कि ये इफेक्ट जो है ये हुआ कैसे था, तो हम ये कह रहे हैं कि चलो हाँ ये देखते हैं कि इसमें प्लास्टिक है, ये है फला है, इनका तो हम उसके सारे कॉजेज निकाल लें, इसमें ये भी था, वो भी था, सारा कुछ था। तो इसमें कोई ऐसा कॉज ऐड नहीं होगा जिसका इफेक्ट से कोई ताल्लुक ना हो, ये क्लियर है। कायनात अगर एक एटॉमिक है, ये पूरी दुनिया अगर हमें एटॉमिक लगती है, हमने जिस तरह कायनात को देखा है एज ए इफेक्ट, उससे हमने ये नतीजा निकाला है कि भी ये बुनियादी तौर पे पार्टिकल्स का मजमुआ है। जिस तरह ये कह रहे हैं इन्होंने कायनात को ऑब्ज़र्व किया है, जिससे इनको ये लगा है ऑब्ज़र्व करके या पूरी पिछले स्टडी से
क्योंकि फिजिक्स जो है वो महज एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो पिछली स्टडी की एक तकलीद है, जब पिछली स्टडी हुई हैं वो कैसे हुई उनको साथ जोड़ के एक मिक्स चलता है। तो पिछली स्टडीज़ के तहत सारा कुछ देख के दाग के ये निकला है कि चार एलिमेंट्स हैं जो दुनिया को बनाती हैं, तो फिर ऐसे कोई चीज़ नहीं होगी जो एक्स्ट्रा हो उस इफेक्ट में। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, समझ रहे हैं? फॉर एवरी इफेक्ट देयर इज अ कॉज। नहीं, ये बात नहीं हो रही। विजिबल रेंज में तो आप कह सकते हैं कि नहीं, इनविजिबल चार एलिमेंट्स हैं आपके, बट कॉज में जब आते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कांट सी, आई मीन व्हिच आर क्रिएटिंग दीस फोर एलिमेंट्स, राइट? हाँ, तो वो किसने कहा कॉज में नहीं है? वो तो कॉज में है, वो पहले मैंने भी ये पूछा था। बनाने वाला भी कॉज में है, तो उसका डिजाइन, उसका फॉर्म, जो ये है, ये मटेरियल कॉज है उसका। इसको मटेरियल कॉज वैसे कहते नहीं है, मगर हम मटेरियल कॉज कह रहे थे, ये मटेरियल कॉज है इसका, जो ये लोहे शोहे सारे चीज़ें हैं। बाकी एक फॉर्मल कॉज है, एक एफिशिएंट कॉज है, पर फाइनल कॉज है। इशू, मसला हमारा ये है डिस्कस करने का, कॉज एंड इफेक्ट का नहीं है। मसला ये है कि जो कंपोजिशन है, जो एक कॉम्बिनेशन है सबकी, वो असल में जब डिकम्पोज होगी तो वो उसमें डिकम्पोज होगी जिससे वो बनी है, उससे 1% भी अलग किस्म की चीज़ नहीं होगी। तो वो अलग चीज़ जो होगी वही होगी जो उन कंपोजिशन का एक मिक्सचर होगा। मतलब एयर, फायर, अर्थ और वाटर जो हैं, इसका एक माजून होगा, या दो का कॉम्बिनेशन होगा, या तीन का होगा, या चार का होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चार के कितने होते हैं? 16 होते हैं ना, 12 होते हैं, 24 होते हैं। अच्छा, 4 स्क्वायर नहीं होगा? नहीं, फैक्टोरियल होता है? नहीं, नहीं, फैक्टोरियल नहीं होता, स्क्वायर होता। परम्यूटेशन नहीं, पॉसिबिलिटीज, फोर की पॉसिबिलिटीज स्क्वायर होता है। परम्यूटेशन फैक्टोरियल होता है, ये भी यही होता है। क्योंकि 6×36 होते हैं पॉसिबिलिटीज। हाँ, अच्छा, ये क्या बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी और परम्यूटेशन। प्रोबेबिलिटी जो है 6×36 होती है। परम्यूटेशंस के फॉर्मूला दूसरा होता है। हाँ, मैं परम्यूटेशन की बात नहीं, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी, अच्छा, प्रोबेबिलिटी के भी इनकी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होती हैं वो स्क्वायर पे होते हैं। नहीं, फैक्टोरियल। यार क्या मैथ पढ़ रहे हैं, ये हो सकता है हम कुछ और बात कर रहे हैं। हां, सही बात कर रहे हैं। चलो हम परम्यूटेशन के ले लेते हैं, कितने? तो चार के 24 होते हैं। सॉरी, आप तो कह रहे हैं वो प्लस नहीं होता। इफ 7 पीपल वर टू शेक हैंड्स, हाउ मेनी हैंडशेक्स वुड देयर बी? 7 फैक्टोरियल, नहीं स्क्वायर। हो टाइम क्यों है? 720। हम बेसिकली हम बात क्या करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली? हम फल्सफा कर रहे हैं, उससे हम क्या समझना क्या चाह रहे हैं, किंदी क्या कहता है, किस चीज के बारे में, उनकी आर्गुमेंटेशन कैसे थी किसी भी चीज के बारे में, वो तो बहाना है। तो आप अपना टेक्स्ट खोलें। हमने टेक्स्ट थिंकिंग प्रोसेस समझना चाह रहे हैं इसके लिए हम, उसका किस चीज का, किंदी का नहीं, वो आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट वही, मतलब उसका उसको थॉट समझना चाह रहे हैं। हां, डिफरेंट चीजों का उसका फल्सफा, थॉट नहीं, थॉट तो क्वालिटी चीज है। क्या पता, पोएट्री भी करता हूँ। हाँ, शायरी करता था, बड़ा अच्छा म्यूजिशियन था। हिंदी कहता है कि म्यूजिक जो है वो डिटरमिनिस्टिक म्यूजिशियन है। किताब कबीर और मौसीकी नहीं थी? हाँ भाई, तो बड़ा हम 6, इसको पता नहीं क्या कहते हैं नंबर्स को, 65 और पांचवा जो है वहाँ पे वो डेफिनेशन है ट्रांसपेरेंसी की। 65 का 5 ये है यहाँ से। ट्रांसपेरेंसी इज दैट बिहाइंड विच साइट कैन परसीव विजिबल ऑब्जेक्ट्स बाय मींस ऑफ दैट थ्रू विच साइट परसीव्स। सही है?
फिर आगे वो इसमें एक और अजम्पशन, वो क्या कहते हैं, प्रेमिस ऐड करते हैं, परसेप्शन अकर्स बिटवीन साइट एंड इट्स ऑब्जेक्ट थ्रू द इमेजरी इंटरमीडियरी ल्यूमिनस एयर। इन दोनों में से एक चीज़ है तीसरी जो कंक्लूजन निकलती है, द ट्रांसपेरेंट बॉडी इज दैट बिहाइंड विच साइट परसीव इट्स ऑब्जेक्ट थ्रू इंटरमीडियरी ऑफ ल्यूमिनस एयर बिटवीन साइट एंड द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स ट्रू कलर। और इसका उल्टा जो है नॉन ट्रांसपेरेंसी है, क्यों नॉन ट्रांसपेरेंट हो गए। यहाँ से वो शुरू करते हैं कि अगर कोई चीज़ कुल्ली तौर पे ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी कलर नहीं रखता। उसको यूं करते हैं कि हम कोई शेय देख रहे हैं और वो शेय ट्रांसपेरेंसी की वजह से देख रहे हैं, और जो चीज़ें मतलब एयर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, एयर को हम मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम रंग को देख रहे हैं, तो जो रंग नज़र आ रहा है वो तो एयर में नहीं है, अर्थ उसका कोई जिक्र ही नहीं था, तो हम ल्यूमिनस एयर की वजह से उसको रंग मान रहे हैं कि वॉइड की वजह से रंग नज़र आ, वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से रंग नज़र आ रहा था। तो रंग जो है वो एक्चुअली एलिमेंट्स में नहीं है, रंग एक और चीज़ है, रंग है पर किसी उसमें नहीं है, चीज़ में नहीं है, समझ रहे हैं। दैट विल कलर फॉर द सेंसिबिलिटी दैट एग्जिस्ट, तो सिर्फ एक कलर होगा जो मौजूद होगा, जिसको हम देख चीज़ कह रहे हैं वह महज एक कलर है, वो उस शे के अंदर मौजूद नहीं है। उसके आगे जाते हैं, इफ़ नॉट फॉर ट्रांसपेरेंट एलिमेंट इज कलर देन नन ऑफ द एलिमेंट विल हैव कलर एट ऑल। इसी तरह जो एलिमेंट होगा वो इसमें से कलर है ही नहीं। आई एम लॉस्ट, कहाँ से आप कौन से पेज पे पहुंचे? नहीं मैं पेज से निकल चुका हूँ असल में, समझ आ रहे हम से, मैं सिर्फ डेफिनेशन और दो स्टेटमेंट्स के लिए पेज पे था, वो सारा इसी में है, वो आर्गुमेंट है एक्चुअली। तो उसमें पहला प्रीमिस ये है कि अगर हम ये माने कि एयर रेयर जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो कलर देती है, उसकी वजह से हमें कलर नज़र आ रहा है, वो तो कलर रखती ही नहीं है और कलर उसी की वजह से नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है एक ही ऑब्जेक्ट है कलर देने वाला, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है, और बाकी तीन हैं उसमें कलर नहीं है। जो ट्रांसपेरेंट है उसमें भी कलर नहीं है, तो जो चारों एलिमेंट हैं उसमें कलर नहीं होगा। लॉजिक ये है, ठीक है। अगर हम एरिस्टोटेलियन अंदाज माने वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी कलर दिखाती है, एलिमेंट्स में कलर नहीं है, तो एलिमेंट्स में कलर नहीं है, कलर बगैर एलिमेंट के एग्जिस्ट करता है। यहाँ समझ में आ गया, मतलब कलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एलिमेंट, ये बात हो रही है। अगर हम माने कि एक ट्रांसपेरेंट शे हमें कलर दिखा रही है तो ठीक है, नहीं तो जो चीज़ है उसमें कलर होगा ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो ये थी कि कलर एयर देगी, वो ल्यूमिनस एयर जो है ये एरिस्टोटेलियन आइडिया है ना। अच्छा, ये यहाँ से आपको लेके आ रहे हैं कि एरिस्टोटल जो एक बुनियादी आइडिया है एरिस्टोटेलियन, वो ये है कि मीडियम जो है वो ये है एयर है, जो कि ल्यूमिनस एयर से कहते हैं, जिसमें से लाइट पास हो रही है और वहाँ से कलर हमें नज़र आ रहा है। हाँ, तो अगर ये है तो ये तो वो है जो ट्रांसपेरेंट है, इसको पहले उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इसमें तो कलर है ही नहीं। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कलर होगा, मसला क्या? नहीं, उनमें तो कलर वैसे ही नहीं है क्योंकि कलर इसमें था बाय डेफिनेशन, एरिस्टोटेलियन उसमें तो नहीं है। इसके लिए नहीं है तो उसमें, अब यही आगे जा रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, फलसफियों को बूढ़ा कहते हैं। अब ये है कि अगर चीज़ें चार एलिमेंट से बनी हैं और उन चार एलिमेंट्स में कलर नहीं है, कलर महज बगैर एलिमेंट के मौजूद है, तो कलर जहाँ है जिन चीज़ों में, वो चीज़ है ही नहीं। वो चीज़ है कि नहीं? नहीं है, है ही नहीं, वो है ही नहीं। हमारी ब्रेन परसीव कर सकती है कि कलर है चीज़ों का कि नहीं है। मंतक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है थोड़ा। अभी वो देर ना आ गई। तो इससे ये साबित हुआ कि ट्रांसपेरेंट चीज़ें जो है कलर नहीं रखते, जो आसान से ट्रांसपेरेंट चीज़ों से क्या मतलब है, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं ना, यही मतलब है। हाँ, ये हम देख ही रहे हैं ना, ये
If there are not non-transparent, also had no color, then none of the bodies would have color. अगर कोई ऐसी चीज है, कोई है ही नहीं जो ट्रांसपेरेंट ना हो और उसमें कलर ना हो, तो हमारे पास कलर होगा ही नहीं. किसी चारों में से किसी में अगर कलर ना हो, वो खसूसियत ना रखें कलर रखने की, तो जाहिर सी बात हमारे पास कलर नहीं होनी चाहिए, मगर हम कलर देख सकते हैं तो हमारे पास कलर हैं. तो इसका मतलब है ल्यूमिनस एयर जो है वो कलर नहीं देती. जिस मीडियम को हम कलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो कलर नहीं दे रही. हम यही तो कह रहे थे. मीनिंग कि अगर येलो टिंट डाल रही है हर चीज पे तो आपका पिंक जो है वो ग्रीन हो जाएगा. आई मीन आई डोंट नो द कलर थ्योरी बट वो आपकी सब कुछ अभी आप सुने ना बस. नहीं, यहाँ पे आपको क्या समझ में नहीं आ रहा. वापस हम ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं किसी के अंदर भी कलर एग्जिस्ट नहीं करता. हम ये कह रहे हैं कि जो मैं वापस अरिस्टोटल पे आता हूँ कि जो रंग है वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है या ऑब्जेक्ट है जिसको ल्यूमिनस एयर कहते हैं, जो कलर दिखा रही है, जिसकी वजह से हम कलर देख रहे हैं. मगर वो तो रंग नहीं रखती और हमारे पास बाकी तमाम वजूद रंग रखने के लिए डिनाए हैं क्योंकि हम मान ही नहीं रहे कि उन्होंने उनमें कलर है. कलर तो सिर्फ एक ही चीज़ दे सकती है और वो ये एयर है. इसमें एक रोशनी है जिसकी वजह से हम कलर नज़र आ रहा है. यहाँ तक क्लियर है? दलील को इतना मुश्किल नहीं है, इतना चाहिए था. हम एक चीज़ को गिवन मानते हैं. शुरू यहाँ से करते हैं कि एक फैक्ट है वो गिवन है. वो ये है कि जो ये एयर है इसकी वजह से कलर नज़र आ रहा है. ठीक है. और यही वो शय है जिसकी वजह से कलर मौजूद है एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स के अंदर. मतलब कलर की मौजूदगी का मतलब ये, ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं, कलर की मौजूदगी का मतलब ये है कि हम जिस रंग को परसीव कर रहे हैं वो रंग इसलिए है कि हम परसीव कर रहे हैं, हमें उसमें रंग नज़र आ रहा है. अगर हम सादे से एक कंस्ट्रक्टिव यूनिवर्स में बात करें तो वो परसेप्शन जो है वो पूरी कलर का सेंस कम्प्लीटली जो है वो इस मीडियम की वजह से है. यही वो मीडियम है जिसकी वजह से चीज़ें कलर्ड होती हैं, जिसको ल्यूमिनस एयर कहते हैं. वो एयर जिसमें रोशनी होती है, जो जहाँ जिस तरह पड़ती है उस तरह का एक रंग मिलता है हमें. सही है. और वो ऑब्जेक्ट नहीं है जो कलर रखती है, वो ये है कैसे उस पर पड़ रही है वो कलर रखती है. यहाँ क्लियर है? ये एक गिवन फैक्ट है, अभी समझ लो कि यही हक है और इसके अलावा कुछ नहीं है. समझ रहे? अब बात ट्रांसपेरेंसी की हुई थी, वो ये थी कि वो ट्रांसपेरेंट वो होता है जो कलर रखती ही नहीं है. तो इसका मतलब है जो शे कलर रखती ना हो उसके इफेक्ट में भी कलर नहीं होगा. सही है? वो एयर नहीं है. ओके. अब वो अगर एयर नहीं है तो ये तीनों तो बहस से वैसे भी खारिज थे. वो तो एयर था जिसकी वजह से कलर थी. अरिस्टोटेलियन हम दो कॉस्मोलॉजी पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो अरिस्टोटल ने कहा उसकी लॉजिक में रहते हुए हम किस नतीजे पहुंचे. एग्जैक्टली. आई मीन यही अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ये सारी बातें यही मैं कह रहा हूँ. यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि अरिस्टोटल के यहाँ जो मीडियम है उसकी खासियत है रंग. मसला उधर है यार. और मीडियम क्योंकि एयर है तो इसलिए इसको ल्यूमिनस एयर कह रहे हैं. और एयर ल्यूमिनस एयर हम इसलिए कहते हैं कि रोशनी की वजह से कलर नज़र आती है. ठीक है. हाँ, और वो महज रोशनी की वजह से नहीं है, बल्कि रोशनी जो एक मीडियम यहाँ से है ना, जहाँ रोशनी पड़ेगी वहाँ रंग होगी. प्योर डार्कनेस में रंग नहीं है. एयर तो है. हाँ, ल्यूमिनस नहीं है ना एयर. ल्यूमिनस एयर जरूरी है. जो लाइट जो उसमें पड़ती है, जहाँ पे हम हल्का हल्का रंग नज़र आता है वहाँ पे भी
लाइट होती है, चाहे जितना अंधेरा। हाँ, मगर वो लाइट मीडियम जो लाइट का है वो एयर है जिसके थ्रू एलिमेंट से देखें। हाँ, but he didn't know that light can also travel in a vacuum. किसमें? He didn't. हाँ, समझ में आ गया। हाँ, तो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं ये वहाँ पे बहस नहीं है, खारिज बहस है कि यहाँ पे कलर होगी। हाँ, तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिसके ज़रिए से कलर मिलनी थी उसके अंदर कोई कलर की खासियत नहीं है, तो उसके ज़रिए से कलर नहीं मिलनी हमें। ठीक है, क्लियर है। तो अगर उसके ज़रिए से कलर नहीं मिलनी तो इसका मतलब है कि कलर है ही नहीं। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये अगर हम आर्गूमेंट को सीधा सीधा देखें, एरिस्टोटल का आर्गूमेंट है ये, एल्किंदी का है। किंदी का है जनाब, यहाँ पे बात ये नहीं हो रही किस्सा किस तरह का है, ये एक आर्गूमेंट है जिसमें से देखें। अच्छा, मैं समझ आ गई थी। नहीं, मतलब मेरा मकसद समझाना है। तो मैं आपको एक पूरी दलील बताता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि वो दलील किस तरह बिल्ड हुई है। यहाँ तक ठीक रहेगा? अब यहाँ पे दूसरा जो उसका तीसरे प्रेमिस का एक और आर्गूमेंट है, यहाँ से आता है, देन कलर वुड नॉट एग्जिस्ट वगैरह 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 वगैरह, देयर फॉर द बॉडी विच हैज़ नो ट्रांसपेरेंसी हैज़ कलर वेदर इट इज एलिमेंटल और हेवनली बॉडी। तो कलर वो रखेगी जो ट्रांसपेरेंट ना हो। तो सेंस अर्थ इज द एलिमेंट हैज़ नो ट्रांसपेरेंसी एंड हैज़ डेंसिटी, सो दिस हैज़ कलर, सेम इज ट्रू विद द हेवनली बॉडीज, इसलिए उनमें भी कलर होता है। तो कलर जो है एक्चुअली वो देते हैं जो साइट या विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, उनमें कलर होती है। और विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन तब होती है, वो खासियत सिर्फ अर्थ में है जो ऐसा कर सकती है। लिहाजा अर्थ एक वाहिद मीडियम है जिसमें कलर होता है, किसी भी और शय में कलर हो वो इसलिए होगा क्योंकि उसमें अर्थ की खसूसियत है। यहाँ समझ आ रहे हैं? अब यहाँ पे उस आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, अगर आप में से कोई जो 6.5 वाला है उसको और 65.5 जो है ना जी, और 65.6 इसको कोई पढ़े। Now, the two core elements, namely fire and air, are fluid and transparent. Of the two core elements, namely water and earth, one water is also moist and it is fluid and transparent. But the dry cold element blocks and resists vision. That is, it is not transparent. By transparent, I mean that behind which sight can perceive visible objects by means of that through which sight perceives. That is, it sees through the intermediary of luminous air between sight and its objects. Therefore, the transparent body is that behind which sight perceives its objects through the intermediary of luminous air between sight and the object. According to the object's true color, and not that's it. Long sentence. A non-transparent body is that behind which sight cannot see visible objects through the intermediary of luminous air between sight and the object, according to the object's true color. Agla statement. Therefore, the true transparent has no color, since together with the color of the sensible object behind it, no other color exists at all, except for the color of the sensible object behind it. उससे आगे ये पूरा हो गया, अच्छा सिक्स इतना छोटा था, वो सेवन है, सेवन भी पढ़ लिया। सेवन शयान के हक में आ गया। Now, if the element not possessing transparency also had no color, then none of the elements would have color at all. For the remaining things, subject to generation and corruption, and composed of the four elements, are either transparent or not. Moreover, we have just given a description of what is transparent. Therefore,
according to this description, transparent things subject to generation and corruption and composed of the four elements have no color. Furthermore, if the things subject to generation and corruption and composed of the four elements that are not transparent also had no color, then none of the bodies subject to generation, corruption, and would have color. Okay. Then color would not exist in the body subject to generation and corruption at all. Yet colors do exist in the bodies subject to generation and corruption, so that at the same time, colors both exist and do not exist in the bodies subject to generation and corruption. The existent is a being, and what is not existent is non-being. Thus, they are existent and non-existent, and they are being and non-being at the same time. And this is a most abominable observation. इसमें जो फाइव सिक्स हैं वो एक्चुअली डेफिनेशन है और सेवन जो है वो आर्गुमेंट है पूरी जिसमें एक चल रहा है. तो इसमें कोई किसी को प्रीमिस कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं. प्रीमिस का पता है क्या होता है ना, बैकग्राउंड नहीं नहीं एक है हमारे पास नतीजा है, हाइपोथेसिस नहीं है, एक कंक्लूजन है. कंक्लूजन है वो कंक्लूजन किसी खास एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की वजह से आई है. वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स प्रीमिसेस है, इन सब को मिला के ये बनता है. तो पहला प्रीमिस कौन सा था शादी? इसके अंदर हाँ यही आर्गुमेंट है. फाइव पहला सेवन एलिमेंट होता है सेवन जो था सेवन? हाँ सेवन का आर्गुमेंट सेवन में जी पहला है. दूसरा प्रीमिस क्या है? अगर ट्रांसपेरेंसी हो तो यहाँ पे कलर नहीं होगा. नो कलर अगर कह रहे हैं तो चार एलिमेंट से चीजें बनती हैं वो या ट्रांसपेरेंट होती है या नहीं होती. हाँ चीजें आइदर ट्रांसपेरेंट होंगी या और कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट तो हम बता चुके हैं नॉन ट्रांसपेरेंट होगी उनके तो कलर नहीं होता ये साबित हो गया. ट्रांसपेरेंट चीजों का कलर नहीं होता. तो ट्रांसपेरेंट है तो कलर नहीं रखता. अगर कह रहा अगर ऐसा हो कि जो चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है और उनमें कलर भी नहीं हो तो फिर किसी चीज में भी कलर नहीं हो सकता. मगर कलर है एंड नो कलर देन नो कलर एट ऑल. मगर कलर है देयर इज कलर. So there are colors both exist and do not exist in the body subject to generation. ये पर ये transparency के चीज सामने हो तो ये बात बन रही है ना. कह रहा है कि जो चीजें हैं वो transparent भी हैं और non-transparent भी हैं. तो यानी कि चीजों में यानी कि जो चार element से बनती है कभी color होता है कभी नहीं होता. तो ये क्या बात है? तो ये है आगे बात. हाँ ये भी भला कोई बात है. अब यहाँ से बात होती है इस स्टाइल ऑफ आर्गुमेंट को हम कहते हैं रिडक्शो एट एब्सर्डम. mm-hmm.
दो को रिड्यूस कर दो ओके एब्सर्ड में दीजिए पहले आना सही सही रिड्यूस टू कॉन्ट्रडक्शन कह लो इसको हमने ये कहा कि चीज़ें अगर ट्रांसपेरेंट होती हैं तो उसमें कलर नहीं होता या तो चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं तो पीछे नॉन ट्रांसपेरेंट होती हैं अगर वो ट्रांसपेरेंट होंगी तो इसका मतलब है कि उसमें वो कलरलेस होंगी ये पहला और दूसरा एक ही है तो इसको हम काट देते हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं थी हमें तो अगर कोई चीज़ नॉन ट्रांसपेरेंट है और तब भी उसमें कलर नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई भी कलर नहीं होता सही है मगर हमारे पास मसला क्या है कि ये गलत है कि किसी भी चीज़ में कलर नहीं होता ऐसा नहीं है हमारे पास कलर नहीं है कलर है अगर हमारे पास कलर है तो इसका मतलब है हमारे पास कलर है और कलर नहीं है हम तो ये कह रहे हैं इस पूरे आर्गुमेंट में तो इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है ठीक है यहाँ पे आर्गुमेंट आपकी यहाँ से गलत है कि नॉन ट्रांसपेरेंसी की वजह से कलर आती है अब अगला आर्गुमेंट क्या है पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा अगला आर्गुमेंट क्या अगला क्या अगला तो नंबर 8 है देखा यहाँ पे कहीं पे होगा आर्गुमेंट देखो द बॉडी हैज नो ट्रांसपेरेंसी यहीं से शुरू होता है अगला Therefore, the body has no transparency, whether it is elemental or heavenly, has color. अच्छा नहीं, therefore the body that has no transparency, whether it is elemental or heavenly, has color. Since earth is the element that has no transparency, it has color. Therefore, of the four elements, it is earth that brings color. ठीक है बस? इतना काफी Stars. ये है अगर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट ना हो इसका मतलब है कलर होगी ज़मीन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है इसका मतलब है ज़मीन इस आइडिया के मुताबिक कलर रख सकती है जो हमारा फर्स्ट अजम्पशन है तो और ज़मीन की एक और खासियत है कि वो डेंस है डेंसिटी की वजह से वो नॉन ट्रांसपेरेंट है जिसकी वजह से वो कलर रखती है इसका मतलब कलर ट्रांसपेरेंट का अगर कलर है वो तो अगला है ना अगर ट्रांसपेरेंट का कलर है तो उसका कलर क्यों है नहीं इस लॉजिक से इस लॉजिक से तो चाहे ट्रांसपेरेंट चीज भी उसका भी कलर होना नहीं नॉन ट्रांसपेरेंट का सिर्फ होगा जो नॉन ट्रांसपेरेंट नॉट ट्रांसपेरेंट होते हैं ना वही कलर होगा और कलर जब भी होगा तो इसकी वजह से होगा क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो नॉन ट्रांसपेरेंट है इसकी वजह से कलर है इस आर्गुमेंट के जरिए ये जो कि ये बात के अगर डेंसिटी होगी तो कलर होगा ये बात प्रूव हो रही है इसको एक प्रेजम्पशन दिया जा रहा है किसको डेंसिटी को डेंसिटी तो हमने पहले बताया तो अर्थ डेंस है और डेंसिटी जो है और नॉन ट्रांसपेरेंसी और डेंसिटी जो है वो विजन को रोकती है जो विजन को रोकती है वो कलर प्रेमिस है यहां से प्रूव कर रहे हैं यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं उस वाले को डिनाई करके जो गिवन एक प्रेमिस था वो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो कंट्रडिक्शन है पैराडॉक्सिकल है तो वो नहीं रखता तो हम नए सिरे से शुरू करते हैं नए सिरे से ये है कि जो चीज़ नॉन ट्रांसपेरेंट होगी वो कलर भी रखती होगी क्योंकि ट्रांसपेरेंट तो कलर नहीं रखती नॉन ट्रांसपेरेंट कलर रखती तो इसका मतलब है अर्थ जो है उन तीन एलिमेंट्स चार एलिमेंट्स में से अर्थ वाहिद जो नॉन ट्रांसपेरेंट है इसका मतलब अर्थ ही वो शे जो कलर रखते हैं और अर्थ डेंस है अब वो आगे जाके कहेगा कि कलर जो है वो है जब चीज़ डेंसिटी यूँ समझ लो कि
नॉन ट्रांसपेरेंसी और डेस्टिनरी को मिला के जो चीज़ बनती है वो ये है कि विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन जो क्रिएट करता है वो एक्चुअली रंग रखता है, सही क्यों फ्लो है यार इससे जाएगी, समझ रहे हो? आप अभी भी फैक्ट्स पे हैं, फैक्ट्स की बात नहीं हो रही, आर्गुमेंट की बात, किंदी का, किंदी So a colored lens has earth element in it which gives it color. बेशक lens की lens खुद अर्थ है. Lens क्या है? So a colored lens has earth element in it which gives it color. Lens है क्या? Tinted glass. मगर लेंस अर्थ ही है, ये की है अर्थ है वो. हाँ तो? लेंस शीशा है तब भी अर्थ है, लोहा है तब भी अर्थ है, ट्रांसपेरेंट है ना, इसकी तो बात नहीं हो रही. किस चीज की? वो तो ट्रांसपेरेंट है ना लेंस. अच्छा लेंस ट्रांसपेरेंट है पर अर्थ है, अर्थ तो है. आपने कहा है ना, इसने कहा है कि अर्थ इज द ओनली एलिमेंट व्हिच कैन गिव कलर. हां मतलब उसने ये नहीं कहा कि इट हैज टू गिव कलर, क्योंकि कभी ट्रांसपेरेंट भी होता है, कभी ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है. हां वो ग्लास का कहता है आगे जाके. ओके कि ग्लास में से उस तरफ दिखाई जो दे रहा है वो ग्लास ट्रांसपेरेंट है, पर जो उस तरफ है वो कलर्ड है. तो जिस तरफ पानी में हमें नजर आता है, तो मतलब ये जो कोई कलर्ड होगा तो इसका मतलब है उसमें अर्थ तो वो है, उसमें कोई सवाल ही नहीं है कि वो अर्थ है या नहीं है. शीशे में अर्थ है वही बात थोड़े से ऐसी, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी भी है. वो तो शीशे की खासियत है ना, कलर इसलिए उसने देना जो ट्रांसपेरेंट नहीं है और डेंस भी है, तो अर्थ ही होगी या अर्थ की और फॉर्म होगी. इधर ये कह रहे हैं so a colored lens has earth element in it which gives it color, transparent or non-transparent, and so does magnifying glass. Some earth in magnifying glass which makes it non. नहीं आप कहीं और निकल गए. अच्छा इस बात से जो अहम बात है वो ये है सिर्फ कि अर्थ जो नॉन ट्रांसपेरेंट है वो ट्रांसपेरेंट हो सकती है. वो एक उसी पे हम लोग अहम बात है वो ये है. उसकी प्रोबेबिलिटीज में ट्रांसपेरेंसी भी एक ऑप्शन है, मगर कलर की प्रोबेबिलिटी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है. नहीं, ऑब्वियसली जी. और कुछ आपने बताया? हाँ, नहीं नहीं यही था टेक्स्ट, टेक्स्ट में कुछ नहीं. अभी कैसे ये पूरी थ्योरी तो नहीं कलर्स की. ये इनकी अभी थ्योरी तो पूरी नहीं कलर्स की. कलर क्या वाले से ये प्रिसी को एक्सटेंड करता है, बुनियाद यही है. कलर्स अर्थ की प्रॉपर्टी अभी आज का तो ये कंक्लूजन है ना. हाँ जो दूसरी टेक्स्ट है जो आपने अब पढ़नी है वो थोड़ा बहुत ब्रॉड टेक्स्ट है, वो जैसे कि सिर्फ कौन सा? अच्छा उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है. हाँ उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है. वो ये है कि आपने ये निकालना है कि इसमें आर्ग्यूमेंट क्या है, डेफिनेशंस कौन से हैं. और कुछ आर्गुमेंट्स होंगी इस तरह होगा, डेफिनेशंस आएंगे जो भी. हाँ फिर एक आर्गुमेंट होगा जो उसको डेफिनेशन के थ्रू चलेगा. उस आर्गुमेंट के बाद दो चीज़ें आती हैं, एक को कहते हैं हम थ्योरम. ये दो बड़े बड़े लफ्ज़ हैं याद रखने के लिए. और तीसरी एक चीज कोरोलरी से हम कहते हैं. तीन किस्म के आर्गुमेंट्स आएंगे. डेफिनेशन होगा, हाँ
फिर उस डेफिनेशन को चैलेंज करने या सपोर्ट करने के लिए आर्गुमेंट आएंगे, वो एक सेट ऑफ आर्गुमेंट्स होंगे। कोई आर्गुमेंट वहाँ से प्रूव हो या डिनाय हो, अगर उसकी एक डायमेंशन देखी जाए तो वो लेम्मा होता है। अगर उसी आर्गुमेंट को मज़ीद खोला जाए, उसमें से मुख्तलिफ चीज़ें निकाल दी जाएँ, जैसे कि अगर मैंने ये कहा है कि भी ये चीज़ कलर रखती है, तो मैं ये कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि भी आग जो है जैसे कि वो कलर इसलिए रखती है क्योंकि लकड़ी जल रहा है, वो वुडन एलिमेंट की वजह से कलर रखता है। आखिर में जो आग से ऊपर निकल रहा होता है जो कलर है, वो वुड का वजह से, वो भी अर्थ एलिमेंट है। नीचे जल रहा है वो भी अर्थ एलिमेंट है। असल में फायर जैसे वो गर्मी है जिसको फायर कह रहे हैं, वो कलर नहीं रखती। अब ये एम्प्लीकेशन है, इसको कहते हैं हम कोरोलरी थ्योरम जो है वो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। थ्योरम कहते कैसे हैं, किसी चीज़ को किसी और चीज़ पे अप्लाई किया जाए वो थ्योरम होता है। यूं करके खैर हम सिर्फ ये करते हैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए कि इसके जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग करके कि वो क्या क्या हैं और कैसे कैसे ऑन रेज टेक्स्ट ठीक है। पूरा किताब में से अच्छा ये वाली सेम ओ अच्छा ओ इसे लेक एंथोलॉजी टाइप है ना, मगर ये दो डिफरेंट किताबें हैं ना, ऑन रेज और कलर। अच्छा